राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्युलेटर के जरिए तेजस में भरी उड़ान अनुभव को बताया अद्भुत। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कैप्टन अमरिंदर की महिला मित्र के आईएसआई कनेक्शन की होगी जांच। राज्यपाल सत्यपाल मलिक को महबूबा मुफ्ती ने भेजा कानूनी नोटिस। एनसीबी की पूछताछ में अनन्या पांडे ने ड्रग लेने से किया इनकार। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और रुक कर लेते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित डुंगरी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन में दो लापता लोगों के परिजनों से भेंट करते हुए परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी और आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में कहीं न कहीं समायोजित किया जाएगा। उन्होंने डुंगरी गांव में आपदा से हुए नुकसान का भी जायजा लिया और अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं पीड़ित लोगों को भरोसा दिया कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नलगांव में नेपाली मूल के आपदा से प्रभावित परिजनों से मुलाकात की और 4 लाख का चेक भी बांटा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में डीएम रंजना राजगुरु से सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पिछले दिनों जिले में भारी दैवीय आपदा और जल प्रलय से भारी क्षति हुई है। कई बस्तियों, कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। काफी जानमान का नुकसान भी हुआ है। लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं है और खाने को भोजन नहीं है। उन गरीब बेसहारा लोगों को तत्काल 10,000 रुपए प्रति परिवार आर्थिक सहायता देने और नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिनकी जान गई है उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। वहीं फसल को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे कराकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। लेकर जो मंडी में पहुंच रहा है तो उसमें मॉइस्चर और डैमेज दोनों के मापदंडों को रखिए। आज की परिस्थिति के अनुसार राज्य सरकार इसमें लिबरल एक्टिविटी कर रहा है और जो कनक टूटा हुआ धान है उसको खरीदे और उसके लिए किसी तरीके की मनाही नहीं करना चाहिए। हमारी जो राइस मिलर हैं इनको भी राहत देने की जरूरत है ताकि वो धान की खरीद में योगदान दे सके। और दूसरी तरफ जो है बाजार में दुकानी के अंदर सामान उत्पादन गैज हो गया है। एक तो इंश्योरेंस वाले के तहत तत्काल आपको उनको भुगतान नहीं हो रहा है और दूसरा जो है राज्य सरकार अपनी फौरी मदद को ना अपनी डैमेज का असेसमेंट करके जो असेसमेंट जाए उसके अनुसार मदद और फौरी मदद गरीब लोग। वही 7 अखाड़ों के अखाड़ा परिषद के अलग होने होकर नए अध्यक्ष परिषद का रार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री मेहनत गिरी हरी जो है उनने अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री पद की घोषणा करने वाले अखाड़ों की बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए नियमों के विपरीत बैठक बुलाई। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री पद के लिए 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक निश्चित की गई है, जो अखाड़ों के साधु संत अलग से बैठकर अपने समस्या को रखेंगे और इस बार 25 तारीख को होने वाली बैठक में बहुमत साबित करने पर फैसला लिया जाएगा। आज हुई है ये घोषणा अवैध है, क्योंकि घोषणा कभी भी ऐसे नहीं होता है। कहीं 5-6 आदमी 10 आदमी इकट्ठे घोषणा हमने कर ली। एक छोटा सा व्यापार मंडल का भी चुनाव होता है, वहाँ भी नियम होता है, सोसाइटी एक्ट है, उसके तहत ही चुनाव होता है। जब भी कोई संस्था है वो मनमाने ढंग से कार्य नहीं होता है। जो हमारे लिए जो सोसाइटी एक्ट है, जो भी संस्थाओं के नियम है, जो परंपरा, उसको देखा जाता है। अगर उसके अनुरूप नहीं है तो अवैध मानी जाएगी। हमारा ये 25 तारीख को जो निर्णय होगा वो जो 25 को है, मैं तब भी जो भी अखाड़े हमारे जो है डर से या किसी भी कारण जो मतलब नहीं आ पाएंगे वो सब इलाहाबाद में आ जाएं और वहां पे जो है अपना जो है बहुमत करेंगे। जो भी उचित होगा वो इलाहाबाद में होगा, यहां पे नहीं होगा।
पार्टी का बिना एजेंडा बिना आप कुछ करते हैं तो आप लोग मानिए उसको क्या मानते हैं। जो आप मानते हो मैं मानता हूं, लोकतंत्र में उसको अच्छा मानते हैं हम भी उसका स्वागत करेंगे। लोकतंत्र की व्यवस्था को हानि पहुंचाता है तो उसका हम करोड़ विरोध करूंगा। बाकी अपने लोगों से वार्तालाप करना, सबसे मीटिंग में चर्चा करना, बिना मीटिंग में चर्चा किए हुए। वहीं बीते दिनों उत्तराखंड में हुई तेज बारिश और हवाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ है। कालाडूंगी में भी किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। नदी नाले उफान पर आने के कारण लोगों के घरों में मलबा भर गया। प्रभावित इलाकों की परेशानी को देखते हुए कालाडूंगी विधानसभा के न्याय पंचायत बैल पड़ाव के पास कई ग्राम सभाओं का ब्लॉक प्रमुख ने जायजा लिया। ब्लॉक प्रमुख रवि कल्याण ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आगे उन्होंने कहा कि वो नैनीताल डीएम धीरज गर्बयाल के पास जाकर किसानों और स्थानीय लोगों के मुआवजे की बात रखेंगे। आज विकासखंड कोटाबाद के ग्राम बंदरचूड़ा में ग्रामीणों के बीच गांव के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारी टीम के, उनके साथ आज जितना भी है पूर्व में यहां पर जो भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, जो क्षति पहुंची है इस गांव में, उसको लेकर आज हमने मौका मुआयना किया है और संबंधित हमने विभागीय अधिकारियों से वार्ता की है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी गाँव में इतना मलबा आ गया कि सारी फसलें, पूरी फसलें खराब हो गई है। ग्रामीणों की जमीनें भूमि सारी कट गई है, घरों के अंदर मलबा आ गया और पानी की पेयजल लाइनें सारी टूट चुकी हैं। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जिस तरह से पूरा अस्त व्यस्त हो गया है गांव का, जो पूरा ढांचा एक प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे मलबे में तब्दील हो गया है। जो खेत हैं ग्रामीणों के सारे मलबे में तब्दील हो गए। तो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने एक प्रस्ताव बना रखा है जिसमें सभी हमारी ये मांग है कि सभी जो हमारे ग्रामीण हैं, काश्तकार हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जिनकी भूमि कटी है, जिनके घरों में मलबा आ गया है और जिनके घर पुलिया और रोडें और फसल जिनकी नष्ट हुई है, इसमें सभी ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाना चाहिए सरकार की ओर से। ये हमारा प्रस्ताव, हमने जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई है फ़ोन के द्वारा और परसों हम लोग सभी ग्रामीणों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाकर अपनी बात रखेंगे। और पेयजल लाइनें जो क्षतिग्रस्त हो गई है, हमारी संबंधित विभागीय अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कल पेयजल लाइन को कल तक का समय दिया है कि इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा और लाइनों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसी क्रम में आज हमारा यहाँ क्षेत्र बंदरजुड़ा का लाल कुआ के निकटवर्ती क्षेत्र बिंदु खत्ता में पहुंचे भाजपा नेताओं का जनता ने भारी विरोध किया। दरअसल बीते दिनों हुई भारी बरसात से गौला नदी से हुए नुकसान के चलते पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट बिंदु खत्ता पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और बिंदु खत्ता मंडल अध्यक्ष भी उनके साथ थे। कई नेताओं का बिंदु खत्ता क्षेत्र में भारी विरोध शुरू हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष के बचाव में आए भाजपा मंडल अध्यक्ष से स्थानीय युवाओं की काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बाद में लोगों ने उन्हें चुनाव में वोट ना देने की चेतावनी भी दी और अब बिंदु खत्ता क्षेत्र में हुए भाजपा नेताओं के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वही शहीद स्थल झूलाघर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस के अवसर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कंबल वितरण किया। आयोजित हुए कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में आई भीषण आपदा के कारण अमित शाह का जन्मदिन सादगी से मनाया जा रहा है। आपदा को देखते हुए मिष्ठान वितरण और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मसूरी में पड़ रही भीषण ठंड के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया। देश के गृह मंत्री, कुशल नेतृत्वकर्ता, दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक, जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ऐसे हमारे महान नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जन्मदिन है। क्योंकि हम लोग आज शोक में हैं, क्योंकि भीषण आपदा कुमाऊं गढ़वाल में आई है, जनहानि भी हुई है, ऐसे में हमने भारी पार्टी ने सारे प्रोग्राम स्थगित किए हैं। इसलिए हमने सोचा कि मिष्ठान वगैरह न वितरित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो चिंतन, वो विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुँचनी चाहिए। आज कुछ लोगों को, क्योंकि मसूरी में ठंड शुरू हो चुकी है, हमने उनके जन्मदिन पर कंबल वितरित किए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
वही ऋषिकेश के श्यामपुर खादरी क्षेत्र में भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के बैनर तले कई महिलाओं को जूट से बने प्रोडक्टों का प्रशिक्षण दिया गया। जूट प्रोडक्ट में कैरी बैग, थर्मस बैग, टिफिन बैग, फाइल फोल्डर और पेपर फोल्डर जैसे कई उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि 14 दिवसीय चलने वाले स्पेशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान शिरकत करने पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान के प्रभारी अनिल चंदोला ने संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उजागर करते हुए महिलाओं को बेहतर से बहतर स्वरोजगार प्रदान करने की बात कही। वहीं जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद उत्पादों को बनाने तक मेहनत काफी नहीं बल्कि बनाए गए जूट उत्पादों की मार्केटिंग कर उनको बेहतर तरीके से बाजार में उतारना भी काफी जरूरी है। धन्यवाद। ये सबसे पहले उत्तराखंड महिला बाल विकास समिति, ये जो हमारा उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत हम ये ट्रेनिंग का आयोजन कर रहे हैं, और ये जो ट्रेनिंग थी ये हमारे महिला बाल विकास विभाग की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, और इसमें 25 महिलाओं के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हमारा द्वितीय बैच है जिसमें हम मशीनों का भी वितरण करेंगे, 25 मशीनों का वितरण करेंगे निःशुल्क। और इसमें सर ये अपने उत्तराखंड सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, और स्थानीय महिलाओं को हम इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे साथ ऑलरेडी समूह में जुड़ी हुई थी वो महिलाएं हैं, और इसको देखेंगे भविष्य में कि इसको अच्छी मार्केट मिले, इस क्षेत्र को पहचान मिले, इस ढंग से हम इसमें काम करने जा रहे हैं। सर हमारे साथ तो हमारे तो बहुत सारा अलग अलग काम है, अलग हम लोग नेचुरल फाइबर में काम कर रहे हैं। नेचुरल फाइबर में हम 5 फाइबर हमारे पास उत्तराखंड के हैं। पहला फाइबर हमारे पास शीप वूल है, भेड़ की ऊन है, और उससे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, जैसे नी कैप्स बनाना, स्वेटर बनाना, सॉक्स बनाना, की रिंग्स बनाना, तो उसके बायो प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा फाइबर भीमल फाइबर है, और भीमल फाइबर का जो बॉटनिकल नेम वो ग्रेविया ऑप्टिवा है, तो भीमल फाइबर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तीसरा प्रोडक्ट हमारा हो गया सर नेटल, नेटल मीन्स होता है बिच्छू घास, बिच्छू घास जो हमारा बिच्छू घास का रेसा है उससे हम बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चौथा फाइबर हमारा हेम्प हो गया, हेम्प मतलब हो गया भांग के रेसे से, तो भांग के रेसे की भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और छठवां फाइबर जो, पांचवा फाइबर जो है वो हमारा पाइन लीव्स है, जो चीड़ की पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, निडल होती हैं, उसके बायो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्लाइंड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। और छठवां हमारा जूट बैग स्टिचिंग कार्यक्रम है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हमने जूट बैग स्टिचिंग में बायोडाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। जूट कहीं से लाए, हमारे यहाँ तो होता नहीं है जूट, लेकिन उसके बाद उसके बायो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो बायो प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा हुआ। अब तक हमारे पास लगभग 800 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, जिसमें 8000 से ज़्यादा महिलाएं ऑर्गेनाइज्ड हैं, और जो काम करने वाली महिलाओं की संख्या है वो हमारे पास 3309 से ज़्यादा है। और इस समय हमारे पास जी समूह के माध्यम से हम रूरल डेवलपमेंट अप्रोच को करते हैं, इसमें हमारे को उत्तराखंड महिला समिति द्वारा, बाल विकास समिति द्वारा। वही नई टिहरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र की आंतरिक सड़कों को बने हुए काफी दिन हो चुके हैं, पर कई सड़कों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप स्थिति का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। सड़कों की हालत खराब हो गई है। खराब सड़कों की वजह से दोपहिया वाहन अक्सर हादसे का शिकार हो रहे हैं। जर्जर सड़कों को लेकर लोगों का कहना है कि खराब क्वालिटी का सामान का प्रयोग किए जाने की वजह से ये हालत हुई है, और आए दिन अब हादसे हो रहे हैं। निर्माण विभाग का इस पूरे मामले पर कहना है कि सड़कों को बनवाने के लिए लाखों की धनराशि लगाई गई थी, और पैसे मिलते ही सड़कों का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन फिर भी सड़कों के खराब होने की जानकारी हमें मिल रही है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता कलम सिंह नेगी ने कहा है कि नगरपालिका की तरफ से जो धनराशि दी गई है उसका हमारी तरफ से डामरीकरण किया जा रहा है, गुणवत्ता को बेहतर रखने की कोशिश भी जारी है। शहर के अंदर हो रहा है, इसके लिए जो है पालिका द्वारा जो है PWD को 85 लाख रुपए नगर पालिका ने दिए थे, जो रोड क्षतिग्रस्त है उनको ठीक करने के लिए। और जहाँ डमरीकरण उखड़ रहा है तो उसको देखा जाएगा, और उसका अभी तो भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा जब तक उसने उसको दोबारा सही ढंग से नहीं किया। पालिका के द्वारा जो पैसा हमें उपलब्ध कराया गया था उसके अंतर्गत हमने उनके नगर पालिका की सड़कें जो है PC कर दी थी, डामरीकरण का कर दिया गया था, और अभी कुछ लेबर रेट बढ़ गए थे, कुछ मटेरियल के रेट बढ़ गए थे, SOR चेंज हो गया था, तो उससे हमने नगर पालिका को वो अवगत करा दिया था कि इस धनराशि से जो है
इतना ही काम हमारा संभव हो पाएगा। और वो हमने उसका ठेकेदार का अनुबंध भी बनाया था, और ठेकेदार जिस सड़क की बात हो रही है उसके लिए हमने ठेकेदार को कोई अनुबंध ही नहीं किया था। वो अभी ठेकेदार से भी बात हो रही थी तो वो कह रहा था साहब ये नगर पालिका के द्वारा कराया गया है काम, या नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है काम। उत्तराखंड राज्य निर्माण कार्य आंदोलन संगठन के तत्वाधान में शहीद स्थल झूला घर पर आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन समिति व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने बताया कि आपदा के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, साथ ही लोगों के मकान भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए सरकार जमीनी स्तर पर काम करे और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को शीघ्र सहायता राशि उनके परिवार को उपलब्ध कराई जाए। भी है और अभी लगातार लाशें निकल रही हैं और अरबों रुपए की संपत्ति का विनाश हो गया है और लोग तबाह हो गए हैं। जो बच गए हैं उनकी जिंदगी बहुत दुखद स्थिति में आ चुकी है। तो हम एक तो जो मृतक आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने यहाँ पर आए हैं। उनको हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है और साथ ही हम इस सभा के माध्यम से प्रदेश सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग जिनके घर टूट गए हैं आपदा से, पूरा क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है, वहाँ आपदाग्रस्त लोगों को प्रभावित लोगों की। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। विद्यालय की स्वच्छता बनाए रखने के उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने नवी कक्षा की बालिकाओं को गणित पढ़ाई। बालिकाओं को गणित में दो चरों वाली रैखिक समीकरण और कई सवालों के भी हल उन्होंने करवाए हैं और गणित से संबंधित जरूरी टिप्स भी बालिकाओं को दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड काल में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा, जिस कारण शैक्षणिक कार्यों में अंतराल आया। इस अंतराल को पूर्ण करने का भरसक प्रयास इस वक्त किया जा रहा है ताकि छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। आज गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंस्पेक्शन भी किया गया और यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं नाइन्थ क्लास की, उनके साथ जो मैथ्स की क्लास चल रही थी उसमें क्या उनके शिक्षा का स्तर क्या चल रहा है, कौन से चैप्टर्स, कौन सी प्रॉब्लम्स उनको अभी आ रही है मैथ्स में, क्योंकि कोविड के बाद जब स्कूल खुले हैं तो काफ़ी एजुकेशन में ऐसा गैप आया है जिसको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी में बच्चियों के साथ कुछ समय बिताकर उनके साथ मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, उनको मोटिवेट किया कैसे मैथ्स। वहीं अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद नए अध्यक्ष को लेकर अखाड़ा परिषद दो गुट में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह सात अखाड़ों के साधु संतों ने बैठक कर महानिर्वाणी अखाड़े सचिव रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित कर नई कार्यकारिणी की भी घोषणा कर दी, लेकिन अखाड़ा परिषद के दूसरे धड़े ने इस चुनाव को अवैध बता दिया। जूना अखाड़े में प्रेस वार्ता कर अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने आरोप लगाया कि बैरागी संतों के तीन अखाड़ों के संतों ने खुद को अखाड़ा परिषद से अलग कर लिया था, अब वो अखाड़ा परिषद की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने इस चुनाव को अवैध बताते हुए कहा कि अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव 25 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाली बैठक में ही होगा। इस बैठक में 10 अखाड़ों के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। नहीं, ये बैठक अवैध है, ये बैठक नहीं है। बैठक जो है वो 25 को प्रयागराज में, देखिए जो भी कोई बैठ, आपको एक बात बता दूं, एक व्यापार मंडल का ही चुनाव होता है, एक छोटा सा चुनाव व्यापार मंडल का ही होता है, तो उसमें भी एजेंडा होता है, बैठक होती है, चुनाव होता है। ये नहीं है कि 5-6 आदमी इकट्ठे मिल गए चुनाव कर लिए। वहीं लक्सर राजस्व प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 7 वाहन पकड़े गए हैं। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता के अनुसार स्थानीय लोगों ने लगातार अवैध खनन की शिकायत की थी, जिस पर लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने एक टीम बनाकर अवैध खनन पर कार्रवाई का निर्देश दिया। टीम ने 7 वाहनों को एक साथ पकड़कर चालान कर दिया है। यह सभी वाहन अवैध रूप से अवैध खनन का परिवहन कर रहे थे, जिनके पास किसी भी तरह के कोई कागज नहीं मिले हैं। पकड़े गए वाहनों के खिलाफ अवैध खनन की धाराओं में कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस संबंध में हमारे द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई है, तो इसके द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और कल भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई की गई। तो उसमें 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर जो है वो अवैध परिवहन करते हुए पाया गया, तो उनको सीज कर दिया गया।
वहीं मध्य प्रदेश के खबरों की तरफ हम रुख कर लेते हैं, जहां पर मंदसौर की धरती से हॉकी के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच में भागीदारी कर रहे हैं। इसमें लड़कियों का नाम सबसे ऊपर है। इसी तरह मंदसौर के अब एक और खिलाड़ी सागु डावर हॉकी के खेल में मंदसौर का परचम लहराने की तैयारी कर रही है। मंदसौर की इस खिलाड़ी सागु का जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतिस्पर्धा के लिए चयन हुआ है। वो बहुत गरीब परिवार से आती है, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत उसे अपने सपने साकार करने में मदद कर रही है। सागु काफी गरीब परिवार से है। पिता की काफी वक्त पहले मौत हो जाने के बाद सागु की मां ने अपने 8 बच्चों का अकेले भरण पोषण कर उन्हें बड़ा किया। घर खर्च निकालने के लिए अभी भी सागु की मां और सभी भाई बहन मजदूरी करते हैं। वहीं स्वयं सागु भी रोज सुबह 6 बजे उठकर 3 गाड़ियों को साफ करती है, जिससे उसे हर महीने 1500 रुपए मिल जाते हैं। इन्हीं पैसों से कि वो आमदनी के बाद अपने प्रैक्टिस पर खर्च कर रही है। मेरे बेटे को चयन हुआ तो मेरे को बहुत खुश लगे सर, बहुत। मेरे बेटे आगे बढ़ जा और आगे खेल कूद में आगे नाम मंदसौर का रोशन करा, सर का नाम पता रोशन करा, मेरे को बहुत खुश हुई। और मेरे बेटे को खाने पीने का काम के मेरे घर में कोई कमेने वाला नहीं। इनके पापा 7 हो गया, बड़ा भाई 7 हो गया 22 साल का, 2 बच्चे छोटे छोटे सागु से छोटे ने, एक बड़ी बहन। और मैं लोगों को घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके मेरा घर चला रही, इनके वास्ते खाने पीने का रोटी सब्जी मिल रही। और बाहर जाने का इनको मुश्किल से मेरे को किराया मिला, कभी मेरे को जहाँ काम करो वहाँ 400-500 हज़ार आगे से, लेकिन इनको पूछा रहे, मैं मना नहीं कर रही। मेरी बेटी आगे और कोशिश कर आगे बढ़ जा तो पूरे परिवार को संभाल ले, और अखबार में आती बाहर आगे बढ़ती, मेरे को बहुत खुश लगती। मम्मी पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले, मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते, साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन। वहीं मंदसौर में हुई NSUI कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी के हत्या मामले में NSUI ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। NSUI के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और NSUI कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली। पुतला दहन के बाद कार्यकर्ताओं की तरफ से सड़क जाम करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने छात्र नेताओं को घसीटते हुए सड़क से हटाया। वहीं हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं की माने तो इस मामले में बजरंग दल के पदाधिकारियों का नाम सामने आया है। इसी कारण NSUI इसका विरोध कर रही है। NSUI द्वारा कोई मंडला में NSUI के कार्यकर्ता के साथ कोई घटना घटित हुई है इस संबंध में, या उन्होंने पुतला जलाने का प्रयास किया था, पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक बुझा दिया और लोगों को समझाइश दी है कि रोड पे जाके ना करके अपना आराम से यहाँ जो नारेबाजी कर रहा हो। हमारे NSUI के कार्यकर्ता है अभिषेक ज्योतिषी, मंडला के रहने वाले, उनके बीजेपी विचारधारा से जुड़े एक बजरंग दल के व्यक्ति ने निर्मम हत्या कर दी। इसके विरोध में हमने पुतला फूंका, क्योंकि देश में जितने भी अपराध हो रहे, बलात्कार हो, हत्या हो, सबको संरक्षण प्राप्त है बीजेपी का। इसके अभाव इसके संरक्षण में ही लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका और मांग करा कि जो अपराधी वो हमेशा अपराधी रहता है, ऐसे लोगों का संरक्षण नहीं करे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।